मध्य निर्माण के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। मध्य राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। लेकिन एक बात जरूर मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि श्री राम लला की जन्मभूमि पर राम लला का भव्य मंदिर ही बनेगा। राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राम का मंदिर बनाएगा वो कि मित्रों या कार्य जो भी करेगा जब भी करेंगे ये कार्य हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। इस युवा कुंभ की खास बात यह रही कि सुबह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ भाषण देने के लिए उपस्थित हुए, संबोधन करने के लिए उपस्थित हुए, तो यहाँ जो हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं ने भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण की डिमांड की और नारेबाजी की कि मंदिर जो बनवाएगा वोट उसी को जाएगा, यही नारा एक बार फिर जब समापन सत्र हुआ तो उसमें जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए बोलने के लिए खड़े हुए आए तब भी नारेबाजी शुरू हुई, 5 मिनट तक नारेबाजी होती रही। और जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वो करीब 6 मिनट तक बोल नहीं सके, युवाओं ने उन्हें बोलने नहीं दिया, नारेबाजी करते रहे। और जब गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि बनेगा बनेगा मंदिर बनेगा, तब युवा शांत हुए। ये पूरे सत्र में कोई भी सत्र ऐसा नहीं रहा जब राम मंदिर का मुद्दा न उठा हो। इस पूरे युवा कुंभ में एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए इन युवाओं को जागृत किया जा रहा हो। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।